नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्षी दलों में भगदड़ मची हुई है। चुनाव के समय विपक्षियों को जाति की याद आती है, बाकी 4.5 साल विपक्ष सोता रहता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश में स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मिशन रोजगार के अंतर्गत युवाओं को सरकारी नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीयता के भाव के साथ भारत एक नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है। पंडित दीनदयाल के संकल्पों को आगे बढ़ा रही डबल इंजन सरकार। सीएम योगी ने बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला और विराट किसान संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित था। उन्होंने हर हाथ को काम और हर खेत को पानी का नारा दिया था। डबल इंजन की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी भाव के साथ कार्य कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि भारत को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गांव, किसान, नौजवान और महिलाओं को माध्यम बनाया है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। सीएम योगी ने कहा कि धरती माता के स्वास्थ्य की चिंता प्रधानमंत्री मोदी ने की। इसके लिए केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद 2014 में सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को उनकी फसल की क्षतिपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिर्फ उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनते ही लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक कर्ज माफ किया गया। सीएम योगी ने कहा कि किसान खुशहाल होगा तो देश समृद्ध होगा। आज़ादी के बाद पहली बार MSP के जरिए किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 3 किश्तों में प्रदेश के 2,62,00,000 किसानों को 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खेलो इंडिया, फिट इंडिया और सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस बार के एशियन खेलों में भारत के मेडल्स की संख्या में वृद्धि हुई है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार भी खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए हर गाँव में खेल का मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण करा रही है। युवक और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराकर खेलकूद की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। अपने संबोधन से पहले सीएम योगी ने ग्रामोद्योग केंद्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में काम करने वाली महिलाओं से बात की और उनका हाल जाना। साथ ही उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद उसका अवलोकन किया। इसके अलावा सीएम योगी ने प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले 4 किसानों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में मथुरा के सांसद हेमा मालिनी, डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक महेंद्र, गौ उद्योग क्षेत्र केंद्र के अध्यक्ष महेश गुप्ता, स्मारक समिति के अध्यक्ष मधुसूदन दादू, मेला समिति के अध्यक्ष सोहन लाल सहित भारी संख्या में आसपास के जनपदों के किसान मौजूद थे।